नमस्कार दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि भारत पहला टेस्ट मैच जीते तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। भारत और इंग्लैंड के बीच नॉटिंघम में 5 मैचों की सीरीज के पहले टेस्ट मैच शुरू हो चुका है। पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन भारत की टीम और ऋषभ पंत और लोकेश राहुल मैदान पर उतरे, लेकिन खेल शुरू होने के कुछ देर बाद ही बारिश हो गई। हालांकि खेल शुरू हुआ लेकिन कुछ ही देर में पंत आउट हो गए। नॉटिंघम टेस्ट की पहली पारी में भारतीय टीम 278 रनों पर आउट हो चुकी है। इंग्लैंड के स्कोर के आधार पर भारत को 95 रनों की बढ़त हासिल हो चुकी है। रॉबिसन ने 4th विकेट लेते हुए भारत को 9वां झटका दिया। मोहम्मद शमी 13 रन बनाकर बोल्ड हो गए। जडेजा 50 जड़कर आउट हो गए। इंग्लैंड के रॉबिनसन ने उन्हें 56 रन बनाकर आउट किया। टीम इंडिया का स्कोर 232 पर आउट हो चुका था। शार्दुल ठाकुर और जडेजा का साथ देने मैदान पर उतरे थे, लेकिन वो भी कमाल न कर सके। शार्दुल ठाकुर 0 रन बनाकर आउट हुए। अब क्रीज पर जडेजा और मोहम्मद शमी थे। एंडरसन ने अपना 3रा विकेट लेते हुए राहुल को 84 रन पर पवेलियन भेज दिया। जडेजा 32 रनों पर नाबाद रहे और शार्दुल ठाकुर के साथ आ गए थे। नॉटिंघम टेस्ट के तीसरे दिन का खेल पहला सत्र हो चुका था। तीसरे दिन के 2 ओवर से कम हो चुका था कि बारिश आ गई। खिलाड़ियों को पवेलियन लौटने पर मजबूर होना पड़ा। खेल रोके जाने के समय राहुल 58 और ऋषभ पंत 13 रन बनाकर नाबाद थे। इसके बाद फिर से शुरू हुआ, लेकिन पंत 25 रन बनाकर कैच आउट हो गए। अब देखना होगा कि आज का मौसम का मिजाज कैसा होता है और भारत को 55 रनों की बढ़त हासिल हो चुकी है। अगर भारत इंग्लैंड को कम से कम स्कोर में निपटाता है तो भारत को 2 विन भी कम मिलेगा, क्योंकि इंग्लैंड में 4th इनिंग की बल्लेबाजी करना बहुत मुश्किल होता है। अगर इंग्लैंड ने भारत को 200 रन का टारगेट दे दिया तो भारत के लिए मुश्किल होगा और यह मैच भारत के हाथ से निकल सकता है। इसलिए भारतीय गेंदबाजों को कड़ी मेहनत करते हुए इंग्लैंड को कम से कम स्कोर में अनुमान करना पड़ेगा। इंग्लैंड की तरफ से जो रूट और सिबले दोनों बेहतरीन बैट्समैन हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने इस साल में बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की है। उनका 2021 का औसत 50 का है, वही रूट का 65 का एवरेज है। वही रूट ने 2021 में 2 दोहरे शतक भी लगाए हैं।